गर्मियों का मौसम आते ही तमाम तरह के बीमारियां जैसे कि दस्त, लू लगना, पेचिस आदि का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे मौसम में बेल का सेवन इन सभी समस्याओं से आराम दिलाने में बहुत कारगर है। बेल मुख्य रूप से भारत में पाया जाने वाला एक पौधा है। आमतौर पर लोग जूस या शरबत के रूप में बेल का सेवन ज्यादा करते हैं। हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र पौधा माना जाता है और पूजा में बेल के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकांश लोगों को बेल के फायदों के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है, जबकि आयुर्वेद में इसे महत्वपूर्ण औषधि माना गया है जो पाचन संबंधी कई बीमारियों में फायदेमंद है। इस फल का हर हिस्सा ही सेहत के लिए गुणकारी है। बाहर से यह फल जितना ही कठोर होता है, अंदर से उतना ही मुलायम और गुदेदार होता है। इसके गुदे में मौजूद बीज भी कई बीमारियों के इलाज में फायदा पहुँचाते हैं। बेल में पाए जाने वाले पोषक तत्व। बेल के फल में विटामिन और पोषक तत्वों की भरमार होते हैं। बेल में मौजूद टैनिन और पैक्टिन मुख्य रूप से डायरिया और पेचिस के इलाज में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बेल के फल में विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन और आयरन भी अधिक मात्रा में मिलते हैं। बेल के नियमित सेवन से शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति होते हैं और साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ते हैं। बेल के औषधीय गुण। बेल पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में बहुत ही कारगर है। इसके सेवन से पाचन तंत्र ठीक रहता है, जिससे अपच और कब्ज जैसे समस्याओं से राहत मिलते हैं। आयुर्वेद में बेल के गुणों का प्रमुखता से उल्लेख किया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि यह कब्ज के अलावा डायबिटीज, डायरिया, पेचिस, कान दर्द, स्कर्वी आदि रोगों में भी लाभकारी है। बेल के गुदे के साथ साथ बेल के बीज भी बहुत गुणकारी होते हैं। बेल के सेवन का तरीका। बेल को आप कई तरीकों से खा सकते हैं। आमतौर पर बेल का रस या बेल के शरबत का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन आप इस फल को तोड़कर सीधे खा भी सकते हैं। इसका बाहरी हिस्सा काफी कठोर होता है, उसे तोड़ दे और अंदर के लिसलिसे गुदे में से बीज को निकल कर खाए या रात भर इस गुदे को पानी में भिगो कर रखे और अगली सुबह इसे खाए। कई लोग इसके गुदे को सुखा कर उसका चूर्ण बनाकर सेवन करते हैं, जिसे बेलगिरी चूर्ण कहा जाता है। इसके अलावा बेल की पत्तियों का रस भी बहुत गुणकारी है और कई बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप घर पर ही बेल का मुरब्बा बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। ये स्वाद में मीठा होता है और लाभकारी भी है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं बेल के फायदे के बारे में। पाचन ठीक करने समेत बेल के अनगिनत फायदे हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश लोग पेट की समस्याओं से पीड़ित रहे हैं और पाचन तंत्र के ठीक से काम ना करने की वजह से आगे चलकर और कई तरह के रोग होने लगते हैं। ऐसे में बेल पाचन को ठीक करके बाकी सभी समस्याओं से आराम दिलाती है, साथ ही शरीर में आवश्यक पोषक तत्व और विटामिनों की आपूर्ति करते हैं। गर्मियों में लू से बचाव। गर्मियों के दिनों में लू लग जाना एक आम समस्या है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी गर्मियों के दिनों में लू की चपेट में आ सकता है, इसलिए लू से बचाव के तरीकों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बेल का शरबत शरीर को ठंडक पहुंचाती है और शरीर को लू से बचाती है। इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ते हैं। धूप में निकलने से पहले एक गिलास बेल का शरबत पीकर ही निकले। सेवन का विधि। 2 चम्मच बेल के गुदे को आधा गिलास पानी में मिलाकर बेल का जूस बनाएं और इस जूस का दिन में 1 से 2 बार सेवन करें। डायरिया और पेचिस। डायरिया और पेचिस के इलाज में बेल का सेवन करना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अक्सर खाना ठीक से ना पचने के कारण लूज मोशन और डायरिया आदि समस्याएं होने लगते हैं। ऐसे में बेल का सेवन करने से जल्दी आराम मिलता है और डायरिया अगले 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाता है। अगर आप गंभीर रूप से डायरिया से पीड़ित है तो बेल के सेवन के साथ साथ डॉक्टर की सलाह भी जरूर ले। सेवन विधि। 1/2 चम्मच बेलगिरी के चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। आज के समय में कई लोग बार बार शौच जाने की समस्या से पीड़ित रहते हैं और उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे उनका पेट ठीक से साफ ही नहीं होता है। आयुर्वेद में इस रोग को अजीर्ण नाम दिया गया है। ऐसे लोगों के लिए बेल का सेवन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बेल के सेवन से पेट ठीक से साफ होता है और बार बार शौच जाने की समस्या से आराम मिलता है। बेल में लैक्सेटिव क्षमताएं होते हैं जो आंतों को भी ठीक तरह से साफ रखते हैं। बेल का फल खाने से या इसके शरबत का नियमित रूप से सेवन करने से
से पेट का स्वास्थ्य ठीक रहता है। सेवन का विधि, 2 चम्मच बेल के गुदे को आधा ग्लास पानी में मिलाकर जूस बना ले और दिन में 2 बार इसका सेवन करे। खून साफ करने में मदद करता है। बेल के जूस में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो खून को साफ करने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से खून शुद्ध होता है और खून में संक्रमण की वजह से होने वाले कई तरह के बीमारियों से बचाव होता है। सेवन की विधि, ताजे बेल के गुदे को निकालकर रात भर के लिए पानी में भिगोकर रखें और सुबह उसे मैश करके खाएं। किडनी के लिए फायदेमंद, बेल का सेवन किडनी के लिए भी फायदेमंद है। ये किडनी की कार्य क्षमता को और बढ़ाते हैं। एक शोध के अनुसार बेल की जड़ों और पत्तियों में डाईयूरेटिक गुण होते हैं जो मूत्र का उत्पादन बढ़ाते हैं। ये खास तौर पर वाटर रिटेंशन की समस्या से आराम दिलाने में बहुत कारगर है। सेवन के विधि, 1/2 चम्मच बेल की पत्तियों के चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर सेवन करें। लीवर के लिए फायदेमंद, ऐसा देखा गया है कि बेल की पत्तियां लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लीवर से जुड़ी बीमारियां अक्सर तभी होते हैं जब शरीर में टॉक्सिन्स या हानिकारक विषैले पदार्थ बढ़ जाते हैं या किसी तरह का संक्रमण हो जाते हैं। शोध के अनुसार बेल में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं। साथ ही इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो लीवर को किसी भी तरह के संक्रमण और चोट से बचाने में मदद करते हैं। सेवन के विधि, ताजे बेल के गुदे को निकालकर रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दे और सुबह उसे मैश करके खाए। स्कर्वी, शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाते हैं। इस रोग के कारण मसूड़ों से खून निकलने लगता है और शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। ऐसे में बेल का नियमित सेवन इस समस्या को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। बेल में मौजूद विटामिन सी शरीर में इसकी कमी को दूर करते हैं और साथ ही इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाते हैं। इसके सेवन के विधि, 1/2 से 1 चम्मच बेलगिरी के चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर खाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये बेल के बारे में जानकारी अच्छी लगे है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लेना। तो दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।